पाकिस्तान में आईएमएफ की डील अटकने की वजह से असंतोष का बढ़ना सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था है। पाकिस्तान में चर्चा है कि वहां की सरकार ने आईएमएफ से अपने परमाणु बमों का सौदा कर लिया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। ये मसला इतना बड़ा है कि वहां की संसद तक में इस पर सवाल पूछा गया और वित्त मंत्री को इस पर सफाई देनी पड़ गई। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार कर्ज लेने के लिए अपने परमाणु बम बेच सकती है। ये वो बम हैं जो पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने ये बम बनाए थे। साथ ही ये कहा था कि वो भूखा मर जाएगा लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करेगा। अब तो पाकिस्तान के सामने वाकई भूखे मरने की नौबत है और चर्चा यह है कि अगर परमाणु बम नहीं बेचे तो पाकिस्तान के लोग भूख से मर जाएंगे। इसीलिए आईएमएफ से हो रही बातचीत पर पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। वो लोगों को ये बताने की कोशिश में लगी है कि आईएमएफ के साथ उसकी बातचीत में कुछ भी सीक्रेट नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आईएमएफ से कर्ज मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है। आईएमएफ ने कड़ी शर्तों का पुलिंदा पाकिस्तान की सरकार को दिसंबर में ही सौंप दिया था। पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसने सारी शर्तें मान भी ली हैं, लेकिन फिर भी बेलआउट पैकेज पर फैसला अब तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के बयान से ऐसा लगा कि केवल एटम बम ही नहीं मिसाइलों पर भी माता पच्ची हो रही है। Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. संसद में बार बार जब परमाणु हथियार पर सरकार से सवाल पूछा गया तब जाकर पाकिस्तान की सरकार ने ये जवाब दिया और साफ कहा कि पाकिस्तान की सरकार अपने परमाणु बम या अपनी मिसाइलें किसी को भी देने वाली नहीं है। बल्कि वित्त मंत्री के पूरे बयान में ये कहीं नहीं कहा गया कि इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसीलिए सवाल उठने लगे कि कहीं आईएमएफ की कोई शर्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि ये तो अब तक एक पहेली बना हुआ है कि आईएमएफ का बेलआउट पैकेज अटकने की वजह क्या है। नवंबर में अमेरिकी संसद को भी एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार परमाणु ताकत बताया गया था। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आई थीं कि परमाणु बम बनाने में ईरान को पाकिस्तान की तरफ से मदद मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की कंगाली इस वक्त बहुत से देशों के लिए एक बड़ा मौका है, खासतौर पर उन देशों के लिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम दुनिया के लिए खतरनाक है। वही खबर है कि कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाए हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर यूएई, सऊदी अरब और कतर पर टिकी हैं। दूसरी तरफ वो चीन से भी मदद की आस लगाए बैठा है और ये मानकर चल रहा है कि उसके ये दोस्त तो उसके काम जरूर आएंगे। हालांकि हकीकत तो यह है कि चाहे यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देश हों या फिर उसका पड़ोसी चीन, सभी उसे पीठ दिखा चुके हैं। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि आईएमएफ से कर्ज मिलने की उसकी सारी उम्मीदें लगभग टूट गई हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था है। पाकिस्तान अब लगभग तय मान चुका है कि आईएमएफ से उसे कर्ज नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसने नए सिरे से अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का प्लान तैयार कर लिया। क्योंकि आईएमएफ से जिस बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान की सरकार को कर्ज चाहिए उसकी मंजूरी 2019 में हुई थी। अब तक इसकी दो किस्तें पाकिस्तान को मिल भी चुकी हैं, लेकिन अचानक तीसरी किस्त से पहले आईएमएफ के रवैये में इतना बड़ा बदलाव देखकर पाकिस्तान की सरकार हैरान है। यही बात पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी कह चुके हैं। टेंसिव एंगेजमेंट, अनयूजुअल, टू लेंथी, टू लॉन्ग, टू डिमांडिंग, बट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। लेकिन पाकिस्तान के पास अब भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब से उसे 200 करोड़ का कर्ज मिल सकता है और यूएई उसे $100 बिलियन देकर उसकी डूबती नाव को बचा सकता है। वहीं चीन से भी पाकिस्तान ने $80 करोड़ की मदद मांगी है और ये कहा है कि पाकिस्तान में चल रही उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये रकम मिलनी जरूरी है। हालांकि पिछले 3 महीनों में ये सभी देश कई बार पाकिस्तान को मदद से इनकार कर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान के एक बयान के बाद एक बार फिर भारत के कसीदे पढ़े जाने लगे। इमरान खान ने अपने भाषण में भारत की तारीफ की और भारत से सबक सीखने की नसीहत भी दी, खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर भारत से नसीहत लेने को कह दिया। यूं तो पाकिस्तान में भारत की तारीफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान भारत की मिसाल देकर पाकिस्तान में राष्ट्रवाद जगाने में लगे हैं। उनका कोई भी भाषण हिंदुस्तान का नाम लिए बिना खत्म नहीं होता। पहले पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान को कोसकर लोगों को खुश करते थे, लेकिन इमरान खान अब भारत की तारीफ करते नहीं थकते। इस बार उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भारत की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बताया कि 1988 के बाद आईएमएफ से भारत ने कोई मदद नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है। इधर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में गायों की देखभाल के लिए शराब की हर बोतल पर ₹10 का टैक्स लगाने की घोषणा की गई और सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स के जरिए उसे हर साल करीब ₹100 करोड़ की आमदनी होगी, जिसका इस्तेमाल गायों की देखभाल करने के लिए किया जाएगा। उधर यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश हो गया।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को पोलैंड भेजा था, जिन्हें पोलैंड की खुफिया एजेंसी ABW ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाली रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने की फिराक में है। ऐसा इसलिए ताकि पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भेजी जा रही मदद को रोका जा सके। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के बाद पोलैंड ने ही यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की है, और पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि पोलैंड अपना बॉर्डर यूक्रेन के साथ साझा करता है। और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जितने भी हथियार भेजे जा रहे हैं वो पोलैंड के रास्ते ही भेजे जा रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड पुतिन की आंख का कांटा बना हुआ है, और अब उस कांटे को निकालने के लिए पुतिन ने सबसे खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। पुतिन का प्लान पोलैंड से यूक्रेन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने का है। अगर पुतिन अपने इस प्लान में कामयाब हो गए तो पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नेटो देशों ने जितने भी हथियार यूक्रेन की मदद के लिए भेजे वो सभी पोलैंड के रास्ते भेजे गए। इसलिए पुतिन को मालूम है कि पोलैंड की रेलवे लाइन उड़ाने से आधी जंग उनकी मुट्ठी में आ जाएगी, और बाकी बची हुई जंग वो अपने सैनिकों और घातक हथियारों के दम पर जीत सकते हैं। हालांकि पुतिन ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए जिन 6 लोगों को भेजा था वो सभी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति अपने इस खतरनाक प्लान को जरूर अंजाम देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका और यूरोप पर रूस का सबसे बड़ा हमला होगा। हालांकि पुतिन पहले भी कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन उसकी धमकी का पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे उसने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया। इसलिए माना जा रहा है कि पोलैंड के इस फैसले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और अब पोलैंड पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इधर राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया, यानी अब राजस्थान में 50 जिले होंगे। इसके अलावा 3 डिवीजन बनाने का भी ऐलान किया गया, जिसके बाद अब इसकी संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। राजस्थान में पिछले कई दशक से नए जिले बनाने की मांग की जा रही थी। उधर सऊदी अरब से हुए समझौते के बाद ईरान ने तय किया कि वो यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। सऊदी अरब और ईरान पिछले कई साल से यमन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि यमन में सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ता है और ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ। हूथी विद्रोही जिन हथियारों से यमन की सरकार से लोहा लेते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि ईरान से आते हैं, जिनके दम पर यमन के उत्तरी हिस्से पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन चीन की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता यमन में हूथी विद्रोहियों का बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के सामने हामी भरी कि फिलहाल वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा, जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी विद्रोहियों को ईरान ने ऐसा झटका दिया जिससे उबर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। यमन में शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा है, और यही झगड़ा वहां ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने खड़ा करता है, क्योंकि ईरान में शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और हूथी विद्रोही भी इसी समुदाय के हैं, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और इसी वजह से वो यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों के साथ है। लेकिन बदले हुए समीकरण में यमन में भी समीकरण बदलता नजर आया, क्योंकि ईरान ने पहली बार खुलकर कहा कि वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा, जिसके बाद सऊदी अरब ने उम्मीद जताई कि यमन में सालों पुराना गृह युद्ध रुक सकता है। इधर संसद सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए, क्योंकि विपक्ष के नेता एक बार फिर अडानी मामले की जांच के लिए JPC की मांग पर अड़े रहे, जबकि BJP सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मिलकर सदन में बोलने के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन BJP लंदन में दिए गए उनके बयान पर माफी की मांग पर अड़ी रही। उधर चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किम जोंग उन आधे घंटे में अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। कहा गया कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे वो अमेरिका का नामोनिशान मिटा सकता है, यानी अगर एक बार किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसके बारे में अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 33 मिनट में ही अमेरिका की धरती पर तबाही मचा सकती है। ये दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव अपने चरम पर है। अब तक किम जोंग उन लगातार अमेरिका को आंखें दिखाते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है।